हेलो गाइस वेलकम टू बैक गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में बात करने वाला हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विभिन्न पद के बारे में इसमें डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एल बारह का पद है उनासी पर मंथ सैलरी है और जो पद हैं रेगुलर बेसिस पे हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए कुल दो पद हैं दोनों पद रेगुलर बेसिस पे हैं एल टेन का पद है संतावन हज़ार सात सौ रुपये पर मंथ सैलरी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं छप्पन हज़ार एक सौ रुपये पर मंथ सैलरी है एल टेन का पद है और यह जो पद है रेगुलर बेसिस पे हैं यानी सभी पद रेगुलर बेसिस पे हैं और इसमें एक पद है जो कंटेक्चुअल बेसिस पे हैं जिसके बारे में मैं जानकारी नीचे बताऊँगा वार्डन कम होटल मैनेजर के लिए कुल एक पद है पैंतीस हज़ार चार सौ रुपये पर मंथ यानी बेसिक सैलरी है एल सिक्स का पद है और यह पद रेगुलर बेसिस पर है सुपरिटेंडेंट के लिए कुल दो पद हैं एक जनरल और एक ए सी कैटेगरी में सैतालीस हज़ार छः सौ रुपये बेसिक सैलरी है एट एल एट का पद है और यह पद है जो रेगुलर बेसिस पर है अब लास्ट का जो पद है वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है यानी कोऑर्डिनेटर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए पद हैं जो साठ हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी है और यह जो पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं कुल एक पद है क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया है ए जी सी के अनुसार क्वालिफिकेशन है अब मैं बात करता हूँ कि यह वैकेंसी है कहाँ पर आया है तो राजीव सॉरी राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब में रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है क्वालिफिकेशन ए नॉम्स के अनुसार है इसको इसकॉल करके नीचे आते हैं और भी डिटेल जानकारी देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो तिथि है इसके बारे में तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आपका बीस फरवरी दो तक इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे रिसिप्ट होना चाहिए यानी अप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है फिल करना है और फिजिकल कॉपी में 20 फरवरी 2023 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो अप्लीकेशन यानी जनरल कैटेगरी के लिए एक हज़ार एक सौ सत्तर रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं और ए सी कैटेगरी के लिए एक हज़ार एक सौ अस्सी रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन